नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम मुद्दे की बात में। मैं हूं विनोद मित्रा। आज हम जनता के बीच राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है, लेकिन जनता के बीच में रहकर क्या कांग्रेस को मुद्दे उठाने चाहिए, क्या बाढ़ से जुड़े हुए मुद्दे उठाने चाहिए? सड़क, बिजली, पानी, तमाम प्रकार के मुद्दे हैं जो जनता के बीच में रहकर कांग्रेस उठा सकती है। लेकिन आप जनता के बीच में ही रहकर पूछते हैं इनके बीच में कांग्रेस पार्टी को लेकर किस प्रकार से सवाल उठ रहे हैं। आइए चलते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से और पूछ लेते हैं छतरपुर शहर की जनता से। कांग्रेस इस समय मुझे लगता है कि सेटल है, क्योंकि हर राज्यों में उसकी हार, उनमें फूट, आपसी मतभेद, उनकी भावनाएं इस समय देख रहे हैं हम लोग। कांग्रेस एक बहुत बड़ा दल है, राष्ट्रीय दल है, जो एक समय भारत पे, संपूर्ण भारत पे उसकी शासन सत्ता रही है। लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि इसमें कोई एक्टिव और प्रतिनिधि जो हैं इनके, वो स्वयं इंटरेस्टेड नहीं हैं। इनकी नीतियाँ आम पब्लिक को समझ में नहीं आ रही, ये क्या कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। कांग्रेस विपक्ष में होते हुए भी अपनी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उन्हें जिन मुद्दे उठाने की सड़क, पानी, बिजली, जनता की मूल सुविधा है, इन्हें अवश्य ध्यान में रखते हुए इनकी इनको उठाना चाहिए। कांग्रेस जनता के मुद्दे कांग्रेस उठा रही है, लेकिन उतना स्लू उतना स्पीड में उठाना चाहिए, उतनी स्पीड में नहीं उठा रही है। बाकी मुद्दे इतने हैं बीजेपी के कि अगर उठाना चाहें तो रोज एक ही मुद्दा उठाएं तो 365 दिन में 365 मुद्दे नहीं उठा पाएंगे। इतनी कमियाँ और जो है समस्याएँ हैं लोगों के साथ। बिल्कुल है, विरोधी पार्टी को, कोई भी पार्टी क्यों ना हो, अगर मुद्दे की बात नहीं उठाएगी तो देश का विकास, नगर का, कहीं का भी विकास संभव नहीं है। तो विपक्ष की जो भी पार्टी कभी भी रहे तो उसको हमेशा मुद्दे की बात तो उठाना ही चाहिए। जो कमी है दूसरे की देखे, उससे जनता खुश रहेगी, जनता सपोर्ट भी करेगी कांग्रेस को। जैसी हालत आज की दौर में कांग्रेस की है, तो उनको एक मुद्दे उठा के जनता के प्रति स्वास्थ्य जागृत करना पड़ेगा। जिसे यहाँ देखते हैं सड़कों पर धूल के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है, तो कम से कम धूल, ये सड़क भी एक मुद्दा होता है। लोगों को जनता को क्या चाहिए, यही चाहिए हमें, सब सुविधा हो, सड़क अच्छी हो, है महंगाई का दौर वैसे भी चल रहा है, उसके कारण इसलिए बहुत अच्छा मुद्दा है महंगाई और सड़क उठाना चाहिए ना कांग्रेस को। इस तरह से जो बिजली का है, पानी का है, गरीब जनता का है, इन सब का मुद्दा उठाना चाहिए, वो बोलना भी चाहिए। उठाना चाहिए, बिल्कुल कांग्रेस का काम ही है कि इन मुद्दों को उठाना चाहिए। जो चीज़ें नहीं हो रही हैं और जो चीज़ में गलत हो रही है उनको तो बिल्कुल उठाना चाहिए कांग्रेस को, बिल्कुल उठाने चाहिए। जनता के मुद्दे उठाती नहीं है, केवल अपने परिवारवाद में लगे हुए हैं कि राहुल गांधी के साथ ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। जनता के साथ क्या हो रहा है वो भी तो देखिए, जनता की जो मूलभूत सुविधाएं और समस्याएं हैं उनकी सम्मानजनक उनका निराकरण होना चाहिए। समस्या जो गरीब है उनको देखना चाहिए, जो रोड घूम रहे हैं फालतू, उनको रोजगार मिलना चाहिए, हर चीज़ की तरह सुविधा होना चाहिए उनके लिए। किसान परेशान है, सूखा है, बताओ किसान के ऊपर सब है। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस को एक विपक्ष की भूमिका एक निश्चित तौर पर, जिस तरीके से भाजपा ने जनता के मुद्दे उठा उठा के आज सरकार बना ली है, निश्चित तौर से ये मानना पड़ेगा कांग्रेस वो मुद्दे नहीं उठा पा रही है जो कांग्रेस को उठाने चाहिए, जो जनता से जुड़े हुए हैं। छतरपुर एक अतिक्रमण से चपेट में है। छतरपुर में आज आप देखिए, छतरपुर में किस तरीके से दिन ब दिन एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे थे। ऐसे मुद्दे कांग्रेस को उठाने चाहिए जो कांग्रेस उठाने में असफल रही है। उठाने चाहिए, यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, जो डिवाइडर पे आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और जनधन योजना में भी लूट हो रही है। कितने मुद्दे हैं कांग्रेस की योजनाएं भाजपा चला रही है, नाम बदल के क्या होता है, योजनाएं तो वही हैं। पहले जो चीज़ कांग्रेस ने चलाई है भाजपा उस पर ऑब्जेक्शन उठाती थी, आज वही योजनाएं कांग्रेस भाजपा नाम बदल के चला रही है। अतिक्रमण है और ये रोड में साफ सफाई नहीं हो रही है, पूरे में ट्रैफिक जाम हो रहे हैं, कोई मतलब यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी नहीं लगी रहती है, ये सब मतलब यही मुद्दे हैं। बिजली का है, पानी का है, और आपका ये सड़कों का है, नालियों की सफाई वफाई नहीं हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, ये तो जो सत्ता में बैठा है एक दूसरे के लिए तो वो रणनीति बनाते ही हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते ही हैं। बाकी जनता का जो ध्यान है, चाहे वो पार्टी वाला हो या कोई गैर पार्टी वाला हो, जनता का ख्याल सभी को रखना चाहिए, और जनता भी अपना ख्याल स्वयं रखे। साफ सफाई है, कई अन्य ऐसी चीज़ें हैं जो जनता ही खुद अपने हाथों से गंदगी फैलाती है,
कोई पार्टी वाले तो गंदगी आगे फैला नहीं रहे। ये डिवाइडर भी बेकार है जो बना है, बेकार ड्राइवर। आज हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से छतरपुर शहर की जनता के बीच इस मुद्दे को लेकर गए कि विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी से क्या जनता की उम्मीदें हैं, आखिरकार क्या जनता के मुद्दों को उन्हें उठाना चाहिए, जनता से जुड़ी हुई समस्याएं जैसे कि बिजली, पानी, सड़क, तमाम प्रकार की जो समस्या है, राशन कार्ड को लेकर भी, इन मुद्दों को क्या जनता के बीच में रहकर कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कांग्रेस पार्टी है, इसको उठाना चाहिए या नहीं, तमाम प्रकार के सवाल हैं जो जनता के बीच में रहकर निकलकर सामने आए और तमाम प्रकार की प्रतिक्रिया है जो जनता ने कही, जो आपको देखने के लिए मिली। हमसे जुड़े रहिए, हम राजनीति से जुड़े हुए मुद्दे भी आपको दिखाते रहेंगे और आपको जागरूक करते रहेंगे।